मॉर्निंग स्टूडेंट, आज के इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन बाई ए थ्री डिजिट नंबर विथ नो कैरिंग। स्टूडेंट, इसके पहले हम लोग जो है टू डिजिट विथ कैरिंग नो विथ कैरिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग थ्री डिजिट मल्टीप्लाई सीखेंगे कैरिंग विथ नो कैरिंग। तो आइए अब हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग नो कैरिंग विथ मल्टीप्लाई सीखेंगे। तो इसमें इसको समझने के लिए सबसे पहले एग्जांपल फर्स्ट लेते हैं हम लोग। तो एग्जांपल फर्स्ट में दिया हुआ है मल्टीप्लाई 312 बाई 123। तो स्टूडेंट, इसको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग जो है जो मल्टीप्लिकेंड है उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर लिखते हैं, और जो मल्टीप्लायर है उसको क्या करेंगे, उसके जस्ट बिलो उसके रेस्पेक्टिव प्लेस वैल्यू के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोग लिखते हैं 123, और यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के साइन देंगे। और यहाँ पर जैसे स्टूडेंट आप लोगों को मैंने बताया है कि ये क्या है, ऊपर वाला क्या है मल्टीप्लिकेंड है और नीचे वाला क्या है मल्टीप्लायर है। तो जो मल्टीप्लिकेंड है उसका हम लोग वंस डिजिट लेंगे और फिर मल्टीप्लायर के वंस डिजिट में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लेंगे करेंगे। आइए हम लोग करते हैं। तो 2 3 6, और यहाँ पर 1 और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पर 3 3 9। और फिर जो है फिर हम लोग क्या करेंगे, अब अगले प्रोसेस में जो है उसमें क्या करेंगे कि हम लोग जो है जो मल्टीप्लायर का टेंस डिजिट है उसको लेंगे। तो टेंस डिजिट क्या है, 2 है। तो अब जब हम टेंस डिजिट लेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे, 0 रख दिया। अब यहाँ पर 2 2 जा 4, और फिर जो है क्या करेंगे, फिर 1 2 जा कितना हुआ 2, और फिर 3 2 जा 6, और फिर अब हम फिर क्या करेंगे, वही प्रोसेस करना है। फिर जो है हम लोगों को 100 प्लस के डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, 100 प्लस के डिजिट में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 100 प्लस के डिजिट क्या है, तो 1 है, तो यहाँ पर 1 है, तो 100 प्लस, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 00, क्योंकि 100 प्लस वाला डिजिट लिए हैं इसलिए 00 लिखना आवश्यक है। तो यहाँ पर फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, और 3 1 जा 3, और इसको सम कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 और 3 और 4 7, और फिर जो है 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 का 3 अब 7 है, और फिर जो है 6 और 1 क्या हुआ 7, और 7 और कैरी 1 कितना हुआ 8 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8। और फिर जो है हम लोगों को यहाँ पर 3 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया 38,376। ये 6 है, यहाँ पर ये 6 है, 76 आंसर हो गया। अब स्टूडेंट हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन बाई ए थ्री डिजिट नंबर विथ कैरिंग। तो आइए अब इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है इसके लिए एग्जांपल नंबर इसका भी फर्स्ट लेते हैं। तो एग्जांपल फर्स्ट में जो दिया हुआ है मल्टीप्लाई 374 बाई 425। तो यहाँ पर हम लोग 374, और फिर क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिखेंगे 425, और यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो फिर वही प्रोसेस करना है। यहाँ पर क्या करना है, इसे जो है मल्टीप्लाई करना है। तो 4 5 जा क्या हुआ 4 5 जा 20, 20 का 0 और कैरी 2, और 7 5 जा 35 और कैरी 2 37, तो 37 का 7, और यहाँ पर 3 5 जा 15, और 15 और 3 क्या हुआ 18। और फिर जो है हम लोग क्या करेंगे, जब टेंस डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 0 रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 2 जाए 8, यहाँ पर क्या 14 का 4 कैरी 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7। फिर जो है 4 4 जाए 16, तो 16, अब यहाँ पर क्या 100 प्लस लेना है तो 2 0 रखेंगे, और यहाँ पर 4 4 जाए 16, तो 16 का क्या हो जाएगा 6,
और कैरी क्या होगा वन, और सेवन फोर जो 28 और वन क्या हुआ 29 और कैरी क्या हुआ टू, और थ्री फोर जो 12 और 12 टू 14 14 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कि ये जीरो हो जाएगा और ये 7 8 15 का 5, वहाँ पर 8 और 4 12 और 12 6 18 और 18 और 1 क्या हुआ 19, 19 का 9 कैरी 1 और 1 और 7 8 8 और 9 17 और 17 1 18 का 8 और कैरी क्या हो जाएगा कैरी 1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है 14 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर 15 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 15। तो ये स्टूडेंट हम लोगों का जो है गैप आप लोगों का कि आंसर कितना हो गया यहाँ पर 1,58,950 आंसर, 950 आंसर हो गया। स्टूडेंट अब हम लोगों को सीखना है कंटिन्यूड प्रोडक्ट। अब यहाँ पर ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट अब इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि फाइंड 54 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ पर जो है दिया हुआ था ये क्या है कंटिन्यूड प्रोडक्ट है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 54 और मल्टीप्लाई 11, 11 में मल्टीप्लाई करेंगे वही करना है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 और यहाँ पर क्या होगा 5, फिर यहाँ पर 0 यहाँ पर 4 5 सम क्या होगा 4 और फिर क्या होगा हो जाएगा 9 और हो जाएगा 5। और फिर 7 से भी करना है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, यहाँ स्पेस है यहाँ लिखते हैं और ये फिर क्या करेंगे 7 से कर लेंगे। और 7 से करेंगे तो कितना होगा 4 7 जा 28, 28 का 8 कैरी क्या हुआ कैरी 2 हुआ, तो 9 7 जा 63, तो 63 या 2 क्या हुआ 65 कैरी क्या हुआ कैरी 6 हुआ, और 5 7 जा 35, 35 और 6 क्या हुआ 41, तो ये हो गया 41। तो 41 में क्या हुआ आंसर 41 हो गया, यहाँ पर 4,158 आंसर हो गया। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 54 therefore 54 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 इंटू 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 4,158। यही क्या हो गया यही आंसर हो गया। स्टूडेंट सेकेंड नंबर क्वेश्चन उसी तरीका से करना है, यहाँ पर द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ ए 9 और यहाँ पर कॉमा दिया हुआ, तो यहाँ क्या करना है यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं है, मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं है तो क्या है यहाँ पर जो है प्रोडक्ट लिखा है, प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है मल्टीप्लाई, तो वही देख लीजिए यहाँ पर एग्जांपल में दिया हुआ है उसी तरीके से करना है सेम। अब जो है आप लोगों का होमवर्क जो है एक्सरसाइज 13 करना है, और 13 में आप लोग ये तो सब बताया जा चुका है 76 से 100 से मल्टीप्लाई, तो पहले हम लोग क्या करेंगे 1 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है वो तो प्रॉपर्टीज ही हैं कि मल्टीप्लाई बाय 1 द नंबर इट सेल्फ, तो क्या होता है वही नंबर आता है। तो यहाँ पर हम लोग जैसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 76 फिर 20 पुट कर देंगे, तो ये स्टूडेंट आप लोग बना लीजिएगा। और आगे आप लोगों को और यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये वर्ड में दिया गया है, तो वर्ड में दिया है तो क्या करिएगा पहले फिगर में लिख लीजिएगा, फिगर में लिखने के बाद फिर उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वही सेम प्रोसेस रहेगा आप लोगों को, तो ये आप लोगों को करना है और ये आप कर लीजिएगा।